सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमई कहा जाता है, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमईज की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया, इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है। इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले, ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकोड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है, ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके।
स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा।